हेलो फ्रेंड्स, सिंपल रेसिपीज़ में आज हम बनाएंगे एक बहुत ही रिच और क्रीमी सब्जी, मेथी मलाई पनीर। इस सब्जी की ग्रेवी काफ़ी थिक और क्रीमी होती है, रिच होती है। साथ में इसमें मेथी की वजह से एक अलग सा ही टेस्ट आता है। आइए शुरू करते हैं हम मेथी मलाई पनीर बनाना। उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में एक चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया, इसमें डालेंगे थोड़ा जीरा, दो हरी मिर्च मैंने बीच से तोड़ के डाली है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें डालूंगी मैं एक प्याज मोटा कटा हुआ, इसको रफली चॉप करके यूज़ करना है हमें। इसको हल्का सा फ्राई कर देते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अदरक, लगभग एक इंच अदरक का टुकड़ा था जिसको चॉप किया मैंने, 5 से 6 लहसुन की कलियां जिसको काट के डाला है। इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे एक टमाटर, टमाटर भी हम रफली चॉप करके ही डालेंगे। इसको फिर से थोड़ा सा पका लेंगे, इसको हमें थोड़ा फ्राई कर लेना है। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा काजू, 7 से 8 काजू लिए हैं मैंने इसमें। इसको थोड़ा फ्राई कर लिया और ये टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। इसको हम ठंडा करेंगे फिर हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। मैं कढ़ाई में फिर से तेल गरम कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल लिया है रिफाइंड ऑयल। इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1.25 कप के करीब मेथी है जिसको मैंने धो के बारीक चॉप किया है। इसको थोड़ा फ्राई करना है। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये मसाला जले नहीं इसलिए हम इसमें लगभग 2 चम्मच पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये मेथी के साथ मसाला कुक हो जाए। अब इसमें हम वो पेस्ट डालेंगे जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था भून करके, वो मसाले का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको हल्का सा भून लेंगे। ये पूरी तरह से मसाला मेथी में मिल गया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और 1/2 कप पानी। मैंने सेम कप से पानी लिया है और सेम कप से दूध यूज़ किया है ताकि मेजरमेंट बराबर आए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इसको मिक्स किया, साथ में डालूंगी मैं थोड़ा चीनी, 1/2 छोटा चम्मच चीनी डाला है मैंने क्योंकि मेथी में हल्का कड़वापन होता है। अगर आप शहद डालना चाहें तो शहद भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसमें 200 ग्राम पनीर के टुकड़े डाले मैंने। पनीर डालने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। बहुत ज़्यादा देर तक ढक के नहीं पकाना है क्योंकि पनीर टूटना नहीं चाहिए। ये सब्जी हमारी गाढ़ी हो गई है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और 1/4 कप क्रीम। क्रीम डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और गैस बंद कर दूंगी क्योंकि क्रीम डालने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पकाऊंगी नहीं सब्जी को। ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है, इसको सर्व कर लेंगे। ये तैयार है हमारा क्रीमी रिच मेथी मलाई पनीर। इसको आप अपने पसंद की रोटी पराठे के साथ सर्व करिए और एंजॉय कीजिए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।